नमस्कार, आज है 17 फरवरी सोमवार की तमाम 10 बड़ी खबरें। भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज मच चुकी है। मुख्यमंत्री बोले हैं कि जल्द तय होने वाली है पीसीसी के नए अध्यक्ष का नाम। शनिवार रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर में कहा था मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम जल्द ही पार्टी हाईकमान तय करेगा। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए पीएम मोदी से मांगा है आशीर्वाद। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपने शपथ ग्रहण भाषण में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा है कि वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सबसे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली का विकास तभी हो सकता है जब सभी साथ दें। अगली बड़ी खबर आ रही है पैन कार्ड को लेकर। 17 करोड़ पैन कार्ड रद्द होने वाले हैं, जल्दी से कर लें अपना नंबर। आपको बता दें कि अगर आपने अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को 31 मार्च तक लिंक नहीं किया है तो उसके बाद आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। सरकार इन पैन कार्ड को रद्द करने वाली है। अगली बड़ी खबर आ रही है चीन में कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस के कहर से चीन में हाहाकार मच चुका है। अब तक 1665 की मौत हो चुकी है, एशिया के बाहर पहली मौत। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण 142 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1665 हो चुकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है केरल से। केरल के कन्नूर का रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर रातों रात करोड़पति बन गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस बैंक में कर्ज लेने के लिए जा रहा है वहीं से उसे करोड़पति बनने की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन कन्नूर के महालूर ग्राम पंचायत के क्रुशिया समुदाय से संबंध रखने वाले पी राजन ने लॉटरी में 12 करोड़ रुपए जीते हैं। ये लॉटरी राज्य सरकार की ओर से केरल क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर लॉटरी में लगी है। अगली बड़ी खबर आ रही है महाशिवरात्रि को लेकर। महाशिवरात्रि पर साधुओं के वेश में आतंकी कर सकते हैं बड़े हमले, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ, चेतावनी दी है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों की सक्रियता से पस्त हुए आतंकी अब महाशिवरात्रि पर जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश रच रहे होंगे। हर मोर्चे पर नाकाम आतंकी अब साधुओं के वेश में श्रद्धालुओं की भीड़ में हमला करने की फिराक में है। अगली बड़ी खबर है इन चार देशों की मुट्ठी में पाकिस्तान की किस्मत है। अगर ऐसा हुआ तो दाने दाने को तरस जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, ये चार देश ऐसे हैं इनके हाथ में है कि पाकिस्तान को वो कुछ भी करके सला सकते हैं। कौन से चार देश हैं हम उनकी ओर बढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पहला देश है चीन। चीन पाकिस्तान का हर मौके पर साथ देता है। भारत के खिलाफ कोई भी मुद्दा चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। चीन पाकिस्तान में CPEC कॉरिडोर बना रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो उसका निवेश फंस जाएगा। दूसरा देश है तुर्की। तीसरा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में निवेश कर रखा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता है तो सऊदी अरब का निवेश फंस जाएगा। अगला देश है मलेशिया। आपको बता दें कि मलेशिया भी FATF में पाकिस्तान का साथ देगा। मलेशिया कश्मीर के मसले में भी टांग भी अड़ा चुका है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप द सुगम के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।